नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ल्ड क्लासेस में अभिनंदन बंधन और स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मेरा जो सीरीज है वो प्लासी का युद्ध के बाद आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध पर, और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में क्या अंतर था उस पर जरा आज समझिएगा। बड़ा शानदार मुद्दा लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, जरा समझिएगा बेटा बक्सर का युद्ध क्या था। तो बक्सर के युद्ध के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हमें समझना है कि बक्सर का युद्ध क्या है, तो उससे पहले हमें प्लासी के युद्ध को जानना पड़ेगा। तो प्लासी का युद्ध मेरी एक वीडियो में पढ़ाया गया है, उसको देख लेंगे तो बक्सर का युद्ध आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको उसका कहा जाता है कि थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं कि प्लासी के युद्ध में एक सेनापति ने सत्ता के लालच में नवाब सिराजुद्दौला का हत्या करवाया अंग्रेजों के हाथों, और खुद मुर्शिदाबाद पहुंच करके बंगाल का नवाब बनता है। उसका नाम है मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर भी, उसके भी रिश्ते अंग्रेजों से कुछ अच्छे नहीं रहते हैं, और जब मीर जाफर के भी रिश्ते अंग्रेजों से कुछ अच्छे नहीं रहते हैं और अंग्रेजों ने जो है मीर जाफर को भी गद्दी से हटाने का प्लान किया, तो कहा गया कि मीर जाफर को भी गद्दी से जब हटाने का प्लान किया गया तो खुद जो है उसके दामाद मीर कासिम को ही अंग्रेजों ने सत्ता का लालच दे दिया, और सत्ता के लालच में कहा गया कि मीर कासिम अपने ही ससुर को कैद कर लेता है, नजरबंद कर लेता है, और बंगाल के गद्दी पर बैठता है नवाब के रूप में मीर कासिम। और मीर कासिम बंगाल के नवाब के रूप में बैठता जरूर है, लेकिन वह अंग्रेजों के चाल को समझता था, और जब वो अंग्रेजों के चाल को समझता था तो समझ गया था कि जो आज सत्ता हमें मिली है यही सत्ता हमारे ससुर को भी मिली थी, लेकिन ये अंग्रेज किसी के नहीं है, जब हमारे ससुर को नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। तो मीर कासिम कहीं ना कहीं अंग्रेजों को गुमराह कर रहा है, और मीर कासिम का यह उद्देश्य है कि अंग्रेजों को बंगाल से कैसे भगाया जाए। तो मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो सबसे पहला काम करता है क्या कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बदल देता है, और बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से ले जा करके मुंगेर कर देता है। और अंग्रेजों को इस बात से तकलीफ होती है कि बिना अंग्रेजों के पूछे तूने बंगाल की राजधानी मुंगेर क्यों बना दी, और उसी मुंगेर में अपनी राजधानी बना करके मुंगेर के आदिवासियों को सेना का प्रशिक्षण देने लगता है, अंग्रेजों के खिलाफ सेना तैयार करने लगता है। और जब अंग्रेजों को यह बात पता चल जाती है तो छोटे मोटी झड़पें, अंग्रेजों से छोटा मोटा युद्ध मीर कासिम लड़ने लगता है। अब मीर कासिम जब छोटा मोटा युद्ध लड़ने लगता है तो अभी मीर कासिम की उतनी बड़ी ताकत नहीं है जितनी बड़ी ताकत अंग्रेजों की तुलना कर सके, क्योंकि प्लासी के मैदान में जितने भी सिपाही थे वो भले ही सिपाही निर्दोष रहे हो, लेकिन उन सिपाहियों को मरवाने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कहा जाता था कि प्रत्येक सिपाही 10,000 सिपाही प्रत्येक दिन तोप से उड़ाए जाते थे, 50,000 सिपाही 5 दिन में उड़ाए गए। तो कहा गया कि इस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबियत को अपने कब्जे में लिया। तो मीर कासिम के रवैये से जब अंग्रेज नाराज हुए, छोटा मोटा युद्ध होने लगा, और उसी युद्ध में जब अंग्रेज भारी पड़े तो मीर कासिम जो है बंगाल से भागा, और भाग करके अवध, अपने अवध में आता है, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सहायता मांगता है। और अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था, उस सुजाउद्दौला से सहायता मांगता है, और सुजाउद्दौला से कहता है कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आज आप सहयोग करेंगे तो कल मैं भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगा। और सहयोग के चक्कर में दिल्ली के बादशाह का भी समर्थन लेता है, और अंग्रेजों को हराने के लिए मीर कासिम ने 3 प्रकार की सेना इकट्ठा करता है। दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और खुद बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों मिल करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए जाते हैं। और उसी वही जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध।
वही जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार में है, बिहार का एक जिला है और इसका बक्सर नाम इसलिए पड़ा कि यहां पे बाघ बहुत ज्यादा पाए जाते थे, इसलिए यहां का नाम पड़ा बक्सर। तो बेटा एक बात समझिएगा कि बक्सर का युद्ध किस तारीख को हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। एक बात, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से सेनापति कौन था, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। उसका नाम क्या था? हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से, बंगाल की तरफ से कौन कौन लोग सेना लेकर लड़ने के जा रहे हैं, तो बक्सर के युद्ध में 3 लोगों की सेना जा रही है लड़ने के लिए। एक तो अवध का नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दौला, एक का नाम था दिल्ली का बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम सेकंड, और एक खुद जो है बंगाल का नवाब जो था उसका नाम था मीर कासिम। और मीर कासिम को अभी भी लग रहा था कि वह बंगाल का नवाब है, लेकिन मीर कासिम को बंगाल से भागने के बाद जो है अंग्रेज बंगाल का नवाब मीर जाफर को फिर से बनाते हैं। अच्छा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब फिर से बनाने का कारण क्या था? कारण यह था कि नए लोगों को लाएंगे तो हो सकता है कि मीर कासिम बन जाए, नई सोच लेकर के आए, इसलिए उसी व्यक्ति को बिठाओ जो जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। तो मीर जाफर को दोबारा गद्दी पर बिठाया गया था। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कभी भी कि बंगाल का वो कौन सा नवाब है जिसने 2 बार बंगाल का नवाब बना, तो उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का 2 बार नवाब बना। एक बार गद्दारी किया था प्लासी के युद्ध में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने वादा किया था कि तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे, तो बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो पहली बार प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब बना, लेकिन जैसे ही यह अंग्रेजों के पक्ष में नहीं आया तो अंग्रेज जो है हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए, लेकिन मीर कासिम भाग गया तो दोबारा फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो उसका नाम था मीर जाफर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल का वो कौन सा नवाब था जो 2 बार बंगाल की नवाबियत की, तो 2 बार बंगाल की नवाबियत जो की उसका भी नाम था मीर जाफर। आगे बात करते हैं, कहा गया कि बक्सर में युद्ध प्रारंभ हुआ। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जरा समझिएगा कि बक्सर में युद्ध प्रारंभ हुआ और बक्सर का युद्ध 3.5 घंटे में समाप्त हो गया। कारण क्या था? कहा गया बक्सर के युद्ध में ध्यान दीजिएगा कि हेक्टर मुनरो की सेना इतनी मजबूत थी और इनकी सेना मजबूती नहीं था बेटा, यहां कहा जा सकता है कि इनकी सेनाओं में आधुनिकीकरण नहीं था। इसके वजह से बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब जो मीर कासिम था वो हारा और ऐसा भागा बक्सर के मैदान से कि कहा गया कि 1777 में या दिल्ली के किसी क्षेत्र में अज्ञात अवस्था में मरा हुआ मिला था। कौन? मीर कासिम। इसको भागते हुए देख करके दिल्ली का बादशाह शाह आलम सेकंड इसको देखकर तुरंत अंग्रेजों के पाले में चले गए। ये पलटू टाइप के आदमी थे। और कहा गया कि अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था कुछ समय तक अंग्रेजों के विरोध में रहा, लेकिन बाद में जाकर के यह भी अंग्रेजों के शरण में चला गया। लेकिन यह थोड़ा आगे कहानी है, जरा समझिएगा कि बक्सर के युद्ध में कौन जीता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। और भारत की तरफ से कितने लोग थे, तो 3 लोग एक संगठित सेना लेकर के आए थे, फिर भी हार गए थे। अब बक्सर का युद्ध हारना अंग्रेजों के शासन व्यवस्था, अंग्रेजी कंपनी का शासन व्यवस्था का भारत में नींव डालने के बराबर था। और यही हुआ। प्लासी के मैदान में अंग्रेजों को भी भारत के ताकत का अंदाजा नहीं था, बस वो नवाब बदले थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बक्सर का युद्ध यह बता दिया कि अंग्रेज भारत में अपने शासन को चला सकते हैं। तो
अंग्रेज भारत में अपने शासन को चलाने के लिए बक्सर का युद्ध एक प्रूफ बन जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ये बात कहा भी है, उसने कहा था कि प्लासी के युद्ध की तो बात हम नहीं करते हैं, लेकिन बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजी कंपनी या अंग्रेजों के शासन का स्थापित करने का यह युद्ध था। तो अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अपने शासन व्यवस्था को स्थापित कब किया, तो बक्सर के युद्ध में किया। लेकिन अंग्रेजों का शासन व्यवस्था भारत में स्थापित होगा यह निर्णय किस युद्ध में हुआ था, प्लासी में हुआ था। जरा समझिएगा, बक्सर के युद्ध में रियल में भारतीय हार रहे हैं, प्लासी के युद्ध में रियल में भारतीय नहीं हारे हैं, वो मरवाया गया है, संयंत्र किया गया है, लेकिन यहां पर बक्सर के युद्ध में रियल में भारतीय हार रहे हैं, हारे। जरा समझिएगा बेटा, यहां से कुछ क्वेश्चन बनता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था वेंसी टार्ट। उसका नाम क्या था? वेंसी टार्ट। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था वेंसी टार्ट। आगे जरा समझिएगा कि बंगाल का गवर्नर युद्ध के बाद कौन बना, बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना, तो दोबारा बंगाल का गवर्नर बनने के लिए कौन आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर का पद पहली बार प्लासी के युद्ध के बाद लाया गया एक बार, और प्लासी के युद्ध का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव 1760 में ब्रिटेन चला गया था, तब जाकर के वेंसी टार्ट बंगाल के गवर्नर बने थे। लेकिन दोबारा बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, तो रॉबर्ट क्लाइव भी बंगाल का दो बार गवर्नर बना, रॉबर्ट क्लाइव। जरा समझिएगा, और ये वही रॉबर्ट क्लाइव है, जरा समझिएगा, जिसने जो है बक्सर के युद्ध में जितने भी लोग बक्सर के युद्ध में शामिल थे उन्हें जगह जगह पर, ध्यान दीजिएगा कि उन्हें जगह जगह पर पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्हें अंग्रेजी शासन व्यवस्था को स्थापित करने की बात की। और एक बात और समझिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन का मतलब जानते होंगे कि बंगाल में द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत पहली बार अंग्रेजों ने कब की, तो 1765 में किया। और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ करने वाला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। एक बात जरा समझिएगा, द्वैध शासन का मतलब होता है कि अब बंगाल में दो लोग शासन करेंगे, एक अंग्रेज शासन करेंगे और दूसरे जो शासन करेंगे वो बंगाल के नवाब करेंगे। ये समझिएगा, ये क्वेश्चन तो ये पूछता है। दूसरी बात समझिएगा बेटा कि बक्सर के युद्ध में जो जो लोग शामिल थे उनको रॉबर्ट क्लाइव खोज रहा है, और खोजने के बाद इलाहाबाद में दोनों लोगों को बिठा करके संधि करता है, जिस संधि का नाम पड़ता है इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी आपसे विदा चाहते हैं, और शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए और मस्त रहिए। गरीबों का एक ही सहारा है कलम, अगर गरीबी दूर करना है तो कलम को सहारा बनाओ बेटा, नहीं जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे, और बर्बाद करने के लोग हर क्षण आपसे प्रयास करते रहेंगे। तो गरीबों का एक ही सहारा है कलम, कलम उठाओ और अपने किस्मत को बदलो। तो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।